ये 6 महीने हो गए भाई मालवा को मेरे पास। अच्छा, 4,000 रुपए है अल्लाह के शुक्र से, उसके बाद जानवर ऊपर। अच्छा, और ये अच्छी बात, क्वारंटाइन के लिए नीचे जगह भी बना के रखा। अच्छा, तो वहाँ पे हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गोट वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं माँ ऐशा माँ फातिमा गोट फार्म भिंडी बाजार पर, और हम लोग अभी मुलाकात करने जा रहे हैं हाजी साहब से। सो आइए इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। बोलो, कैसे हो हाजी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आपकी दुआ है मेरे से। अच्छा हाजी भाई, पहले बताना चाहूंगा, आपसे मुलाकात हो रही थी मेरी कहीं और लिमरा पर। जी, ओएस भाई है वहाँ पे हमारे, ओएस भाई, ओएस भाई फीडर। और आप फीडर? हाँ। सो बात करते करते आपका कुछ बकरों का जो शौक है वो पता चलने लगा। बेशक, और शौक तो बहुत जूना है। अब शौक को जरा धंधे में तब्दीली की है। अच्छा, शुक्र से। अच्छा, तो ये शौक इस जगह पे कब से हो रहा है आपका? ये जगह पे तो भाई माशाल्लाह 5 साल हो गए भाई। अच्छा, हाँ, यहाँ 5 साल हो गए मुकम्मल, 5 साल कम्प्लीट हो गए यहाँ पे। अच्छा, अपनी जगह है माशाल्लाह, और यहाँ 5 साल हो गए मुकम्मल। अब आगे अल्लाह ने चाहा तो और बढ़ाइए इंशाल्लाह। जरूर भाई। तो भाई, ये जो नाम है आपका, ये शुरू से ही रहा है ये नाम? हाँ, ये शुरू से रहा है, क्योंकि उसकी वजह भाई ये नाम मेरी भांजियों का है, माँ ऐशा माँ फातिमा। बड़ा मुबारक नाम है भाई, इंशाल्लाह। बहन के बच्चों के नाम है। हाँ, तो वो क्या मुझको बहुत ज्यादा चहित है, तो उसके लिए नाम जरूर दिया भाई। अच्छा, तो अभी तक के सिर्फ शॉप चल रहा था यहाँ पे। हाँ भाई, अब सेल के लिए सारा चीजें ओपन होगी। हाँ। ओके, सो हम देख रहे हैं, जैसे कि अपना ये पहला वीडियो, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा 2-3 दिन में इंशाल्लाह। और इस वीडियो में हम क्या दिखाने वाले? सब सेल के लिए है ये? हाँ, ये सब सेल के लिए है। मालवा है, गुजरी है, शिनोई है, कोटा है। तो अपन एक एक करके ले लेते भाई, और देखते हैं। हाजी भाई, इससे शुरू करते हैं पहले, छोटे इसको ले लेते। चलिए, ये मालवा से ले लो। ये 6 महीने हो गए भाई मालवा को मेरे पास। अच्छा, 4,000 रुपए है अल्लाह के शुक्र से। सीना देख लो इसका, इसकी पेटी देख लो, ये 100 टाइप में मालवा है, प्योर मालवा है। अच्छा, 100% प्योर मालवा है, मुंडा है। ये देख लो इसकी चाल देख लो माशाल्लाह, और इसकी झलक की पट्टी देख लो माशाल्लाह भाई। और माशाल्लाह ये 2 कलर में है, लाइट बिस्किटी कलर है जी, व्हाइट एंड लाइट बिस्किटी कलर है, और इसकी खोद पूरी व्हाइट है। मैंने अभी साफ करवाया नहीं, अगर आप देख सकते हो तो देख लो, फुल व्हाइट है ये जी भाई। ये देखो, ये पूरी व्हाइट है, मैंने अभी साफ करवाया भी नहीं हूँ, पूरी सफेद है। अभी कल इंशाल्लाह मेरे को इनकी खोद वोद भी कल कटवाने की है, टाइम हो गया। अच्छा, तो ये आपका जो कलेक्शन फिलहाल अभी नजर आ रहा है, पूरा वैक्सीनेटेड है? और सब अलहमदुल्ला सब वैक्सीनेटेड है, ई वार्निंग हो चुकी है, पीपी हो चुकी है। अपने यहाँ पे जानवर आया तो पहले क्वारंटाइन होता है आज के दौर में। अच्छा, हाँ, यहाँ जानवर आया, कोई भी नया आया, पहले क्वारंटाइन होगा, वो 3 दिन 7 दिन क्वारंटाइन होगा, उसमें सब वैक्सीनेशन होगा, ई वार्निंग होगी, पीपी होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद जानवर ऊपर। अच्छा, और ये अच्छी बात, क्वारंटाइन के लिए नीचे जगह भी बना के रखा। अच्छा, तो वहाँ पे पहले रहता है? पहले वहीं पे कोई भी जानवर 7 दिन वहाँ क्वारंटाइन रहेगा या 3 दिन। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसकी बाकी डिटेल क्या है? अभी कितने दांत में? ये अभी 4 दांत पे है, और माशाल्लाह इसका वजन 50+ ही पकड़ के चलेगा, मैं फिर भी है ना 45 बोलूंगा। अच्छा, हाँ, 50+ है ये, फिर भी ना 45 कम बोल के ज्यादा दूंगा तो अच्छा बेहतर रहेगा। बहुत अच्छी बात है भाई। क्या आपस में कभी भी कोई आया तो मंदू की नहीं है भाई, आपके 50+ बोले थे, ये 48 निकला, तो उसके लिए 50+ है, तभी भी मैं 45 पकड़ नहीं सकता। अच्छा, और इनका उनको ज़रा भी बुरा नहीं लगता कि भाई मैं मेरे जानवर का वजन कम दिखा, तो कोई ले जाए तो खुशी खुशी ले जाए। अच्छा ठीक है भाई, इसके अलावा दूसरे का डिटेल ले लेते हैं। बात ये है, ये 8 महीने का मेरा बच्चा है, गुजरी, 8 से 10 महीना हो गया है, ये होम ब्रीड का बच्चा मेरा। अच्छा, इधर ही पैदा, ये होम ब्रीड का है मेरा माशाल्लाह, इसकी लेंथ देख लो, ये अभी 8-10 महीना पकड़ लो,
मैं ज्यादा ज्यादा ही पकड़ता हूँ। 10 महीने का बच्चा देख लो, इसकी पेटी देख लो, लौ देख लो, इसके कान देख लो, माशाल्लाह इसकी चंचलाहट देख लो। अगर आप देख लो माशाल्लाह, ये बच्चा बहुत फुर्तीला है, ये अंडूल है। अच्छा। और पहले वाला मालवा भी अंडूल था। अच्छा। हाँ, ये बहुत थोड़ा सा एक्टिव है, बहुत भागता है, ये जल्दी हाथ में रुकता नहीं है मेरे। ओके। हाँ। तो आजी भाई, जैसे कि आपने कहा कि ये 8 महीने का है। हाँ। तो और भी इसकी पिक्स होगी आपके पास पहले की, जैसे ये आपने भाई की पिक में वो देखनी पड़ेगी, होगी शायद अगर किसको लगे तो। अच्छा, अगर होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अभी क्या वेट होगा अंदाजा इसका भाई? ये 30 किलो पकड़, 30 किलो के आसपास प्लासी है, और 30 किलो पकड़। ठीक है, हम 30 पकड़ के चलते हैं। बच्चा है, 8 से 10 महीने का बच्चा है। ठीक है, ओके भाई। सेकेंड है, इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है, माशाल्लाह मेरा कोठा है। तो जल्दी हाथ में आता नहीं है। इसकी कोठे की आप जन्म की पट्टी देखो, इसकी ढाल देख लो। मैं आपको पीछे साइड चले जाइए, माशाल्लाह। कोठा जल्दी किसी के हाथ में रहता नहीं है, मारता है कोठा। हाँ, गरम रहता है। हाँ, गरम रहता। ये है गरम है, बकरों के लिए गरम है, पर ये माशाल्लाह इंसानों को नहीं मारता है। इसके कान की लेंथ देख लो माशाल्लाह जी, पेटी देख लो। ये रेड आइस पे है, शायद रेल के इसमें दिखते हैं रेड आइस पे कोटे, ये रेड आइस का कोठा है। मैं अगर आपको इसकी आंख दिखा दूं तो आप देख लोगे ना, रेड आइस पे कोठा ये हल्की हल्की जी भाई। और ये भी वैक्सीनेट किया हुआ है, ये मेरे पास 6 महीने से है, 6 महीने हो चुके इसको। तो जब ये आया था, अभी इसके अंदर पूरा रुबाब भरा हुआ है। ये जब आया था, शावर भी दे रहा है। तब की अगर आपको मैं फोटो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, और अब की वीडियो देख लो, बहुत जमीन आसमान का फर्क है माशाल्लाह, काफी रुबाब दर है भाई। बहुत रुबाब दर। कितने दांत में है भाई अभी बताओ? भाई ये 6 दांत पे हुआ है फिलहाल, 6 दांत पे। और इसका वेट क्या होगा? इसका वेट भी 50 पकड़ो, 50। ये ज्यादा है, मैं 50 ही बोलता हूँ जी भाई। प्लस ही है इंशाल्लाह, प्लस मिलेगा, 50 से ऊपर ही मिलेगा, 50-60 से ऊपर ही मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, फिर भी अपन कम ही वेट बताइए इसका जी भाई। अब इसके बाद है एक मेरे पास शिलोही, ये शिलोही की कहानी बहुत भारी है। जब ये आया था तभी हड्डी का ढांचा था, कुछ नहीं था इसमें, कुछ नहीं बोले तो कुछ नहीं, ये लिटरली इसकी हड्डियां दिखती थी, पसलिया इसकी बादाम पर दिखती थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लो भरा हुआ है, खस्सी है पर ये। आजा 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 आजा, चलो आओ आओ आओ, चलो अजय बच्चा। हाजी भाई, फोटो सेशन में सब चालू है, इनको लगता है कि इनकी फोटो नहीं आएगी, इन्हीं की फोटो आने वाली है लगता है पहले। बराबर, तो फ्रंट में वही आ रहे हैं। हाँ। तो आजी भाई सिंह, इसकी रिसेंटली इनकी ये सिंह काटी है? मैंने रिसेंटली हमारे ओएस भाई थे। अच्छा। उनसे बोल के मैंने अभी कटवाया हूँ। हाँ। क्योंकि कैसा था मालूम है भाई, जानवर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बराबर। के अंदर गल रहे थे तो उसको कटवाया हूँ मैंने अभी। जी, तो ये अभी हुआ है 2-3 दिन पहले? 2-3 दिन पहले हुआ है, आप देख लो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जख्म वखम आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये हल्के हल्के यहाँ घुस रहे थे तो ये बाल निकल गए थे, तो उससे पहले जानवर को तकलीफ हो उससे पहले आपने वो उसका इलाज कर देना बेहतर। राइट भाई, अजान हो रही, थोड़ा पॉज कर। हाँ, ओके। तो हाजी भाई, रिसेंटली जैसे सिंग कटी है आपने, काटे हैं ताकि उसको तकलीफ नहीं हो, और इसी तरीके से पूरा टेक केयर किया जाता है माँ आयशा माँ फातिमा गुड फार्म पर जी। अपनी आदत है भाई, अपने जानवरों को तकलीफ नहीं होनी जी, जानवर अपने बच्चे। बराबर भाई, अपने माँ बाप अपना ध्यान रखे, अपने जी का कुछ ना कुछ जरिया बनाए, बिना जरिए तो दुनिया में होती नहीं है। बराबर भाई, बेशक। अच्छा, आप प्राइसिंग की बात की जाए तो भाई, तो प्राइसिंग ऐसा है कि भाई अपन कॉल पे बताइए तो इंशाल्लाह मैं आपको नंबर दे देता हूँ। हाँ हाँ, फिर कैसा होता मन में कुछ लोग फोन करते, अरे भाई आप तो इतना बोले, आप लोग 4-5 महीने के बाद फोन करते, आप 4 महीने पहले तो ये रेट बोले थे, भाई 4 महीने में जानवर खा भी तो रहेगा, बढ़ रहा है वेट, बढ़ रहा है इसका वेट, बढ़ रहा है प्राइस, बढ़ रहा है, मेरा ट्रीटमेंट चालू है। तो जब जो अब
छह महीने के बाद अगर वीडियो देखते हैं, छह महीने के बाद अगर कोई फोन करता अगर जानवर अवेलेबल है तो उसको कम से कम रेट दूंगा। ऐसा नहीं कि भाई बड़ा चढ़ा दे, मेरे को कोई का जो मेरा शौक था मैं भी हल्का फुल्का धंधा कर रहा बस। राइट भाई। सो हाजी भाई, ये लोकेशन अगर इधर आना है तो भाई ये लोकेशन बहुत इजी है, फाइव सेकी स्कूल के पास आके घोघारी मोहल्ला पूछ लेना, फेमस है। अच्छा, घोघारी मोहल्ला फेमस है। ठीक है भाई, घोघारी मोहल्ला में पहुंचे बसर बिल्डिंग। अच्छा, बसर बिल्डिंग। मेरा सरनेम है, मेरे बाप दादा की जगह है, मेरी अपनी जगह है जी, मेरी अपनी ही बिल्डिंग है, मैं उसी के ऊपर। अच्छा, और इधर आने का कोई टाइमिंग रहेगा, मतलब फोन करके आ जाए? बॉस, एक बजे के बाद से आप रात के एक बजे तक, दो बजे तक भी आ सकते, मैं अवेलेबल हूँ। सुबह नहीं आए, रात के बाद? क्या है मालूम है भाई, रात में मैं उतरता हूँ यहाँ से एक डेढ़ बजे दो बजे, तो सुबह आते आते थोड़ी किल्लत आई है, थोड़ा घर है, सब देख के चलना ना भाई। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह खैर भाई।